गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के इन योर माइंड नॉलेज में। इस वीडियो में आपको बताएंगे 17 व 18 फरवरी 2019 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के बारे में। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इन सभी क्वेश्चन की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत जर्मनी पर्यावरण फोरम का आयोजन किया गया? इसका आंसर है नई दिल्ली। आपको बता दें कि हाल ही में नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण फोरम का आयोजन किया गया। इस फोरम की थीम थी स्वच्छ वायु हरित अर्थव्यवस्था। इस एक दिवसीय इवेंट में वायु प्रदूषण नियंत्रण, सर्कुलर इकोनॉमी की व सतत विकास लक्ष्य इत्यादि विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएँ की गई। इसमें विभिन्न मंत्रालयों तथा गैर सरकारी समूहों ने भाग लिया। है गोवा के किस वाद्य यंत्र को धरोहर वाद्य यंत्र घोषित किया गया? इसका आंसर है घुमोटो। आपको बता दें कि गोवा ने हाल ही में स्थानीय वाद्य यंत्र घुमोटो को धरोहर वाद्य यंत्र घोषित किया। यह वाद्य यंत्र मिट्टी का बना होता है। इसकी झिल्ली के रूप में विलुप्त प्राय छिबकली की चमड़े के उपयोग किए जाने से इस वाद्य यंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पिछले कुछ वर्षों से बकरी की चमड़ी से ही बने घुमोटा का उपयोग किया जा रहा है। इस वाद्य यंत्र का उपयोग गोवा के अधिकतर त्योहारों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है रामवंजी सुतार। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2014, 2015 व 2016 के टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। विजेताओं का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जूरी द्वारा किया गया। इस जूरी में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एन गोपाल स्वामी तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय शास्त्र बुद्धे शामिल हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा 18 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में भारतीय प्रवासी केंद्र में प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि रामवंजी सुतार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। उन्हें एक मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध पर चंबल स्मारक के निर्माण के लिए जाना जाता है। वे पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म ने जीता? इसका आंसर है रोमा। आपको बता दें कि बाफ्टा एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। आपको बता दें कि बाफ्टा अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा हाल ही में की गई, जिसमें बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2019 में विजेताओं की सूची में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब रोमा ने फिल्म ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस नॉर्डिक देशों के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है स्वीडन। आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में स्वीडन के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ गुप्त जानकारियां साझा करेंगे। इस समझौते पर निर्मला सीतारमण जी की स्वीडन यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। स्वीडन ने विश्व भर में 30 देशों के साथ इस प्रकार का समझौते कर रखे हैं। आपको बता दें कि नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे व स्वीडन देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इसका आंसर है नई दिल्ली। आपको बता दें कि 5वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी व बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल मोमेन की सह अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई। दोनों देशों के बीच आखिरी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक अक्टूबर 2017 में ढाका में हुई थी। इससे पहले श्रीमती स्वराज जी ने श्री मोमेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले कृषि पूर्वमान केंद्र का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है कर्नाटक। आपको बता दें कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने धारवाड़ कर्नाटक में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में भारत के पहले कृषि पूर्वमान केंद्र नॉर्थ कर्नाटक एग्रोमेट फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्र का उद्देश्य मौसम पर सटीक रिपोर्ट देना है, जिससे किसान फसलों की रक्षा कर सकें और अच्छी उपज प्राप्त कर सकें। क्षेत्र के लगभग 25 लाख किसानों को व्हाट्सएप, SMS, सोशल नेटवर्किंग साइट व सामुदायिक रेडियो स्टेशनों जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जानकारी के साथ उन्हें सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्ली एड एशिया 2019 किस शहर में आयोजित किया गया?
इसका आंसर है जयपुर। आपको बता दें कि अर्ली एड एशिया 2019 दो दिवसीय कार्यक्रम है जो आरंभिक बाल अवस्था पर एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। यह राजस्थान के जयपुर में सिटी पैलेस में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आदर्श वाक्य आवर चाइल्ड आवर फ्यूचर है। यह पहली बार था जब भारत और विदेश के देशों से 6,000 से अधिक प्रख्यात बाल अवस्थाओं के शिक्षकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ इस तरह का सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। बच्चों को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए नवीनतम रुझानों पर चर्चाएं भी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने हेतु स्पेयर एक्स मिशन के तहत नए स्पेस टेलीस्कोप किस वर्ष तक लॉन्च कर सकती है। इसका आंसर है 2023। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने के लिए स्पेयर एक्स मिशन के तहत नया स्पेस टेलीस्कोप वर्ष 2023 तक लॉन्च कर सकती है। यह करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मिशन की अवधि 2 वर्ष की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु बाघ का निधन हुआ, वे किस राज्य से थे। इसका आंसर है गोवा। आपको बता दें कि हाल ही में विष्णु बाग का निधन हुआ। वे लेखक तथा गोवा विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे। वे गोवा कला अकेडमी के चेयरमैन भी थे। उन्होंने मराठी में 20 नाटक व संगीत, 3 नाटक, 18 कोंकणी नाटक लिखे। उन्होंने कोंकणी तथा मराठी में लगभग 50 नाटकों का निर्देशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरानी कप 2019 किस टीम ने जीता। इसका आंसर है विदर्भ। आपको बता दें कि विदर्भ टीम ने लगातार दूसरे वर्ष घरेलू क्रिकेट में डबल बनाया। टीम ने इस साल रणजी चैंपियन भी बनी और इसके बाद ईरानी कप भी जीता। पिछले साल भी उसने यह दोनों खिताब अपने नाम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन में नेशनल चैंपियन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। इसका आंसर है साइना नेहवाल। आपको बता दें कि साइना नेहवाल ने लगातार दूसरी बार नेशनल चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने फाइनल में पीवी सिद्धू को हराकर 21-18, 21-15 से हराया। 28 वर्षीय साइना ने चौथी बार खिताब जीता है। इससे पहले वे 2006, 2007 व 2018 में भी जीत चुकी थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में सौरभ वर्मा दूसरी बार जीते। 26 साल के सौरभ ने 17 वर्ष के लक्ष्य को 21-18, 21-13 से मात दी। सौरभ 2011 में भी चैंपियन बन चुके हैं। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीके इन योर माइंड ऑलवेज यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।